हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर हिस्ट्री, यानी कि जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो पहले उसके बारे में, पहले हम उसकी किसी चीज़ को जानने के लिए पहले उसके हिस्ट्री, उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी हिस्ट्री आज जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर के बारे में प्रत्येक टॉपिक पर और प्रत्येक सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो पहले एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर हिस्ट्री जो है वह आपकी एग्रीकल्चर हिस्ट्री को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहली है वह है आपकी प्राचीन कृषि इतिहास, प्राचीन कृषि इतिहास, प्राचीन कृषि इतिहास। और प्राचीन कृषि इतिहास को इंग्लिश में कहा जाता है एंशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री, एंशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद नंबर दो पर आती है आपकी आधुनिक, आधुनिक कृषि इतिहास, आधुनिक कृषि इतिहास। तो आधुनिक कृषि इतिहास को यदि हम बात करें कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर हिस्ट्री। तो आज हम जिस हिस्ट्री पर बात करेंगे वह है आपकी प्राचीन कृषि इतिहास। आधुनिक का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, और प्राचीन का मतलब पुराने समय की बात है। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, यानी कि हमारे कृषि की, एग्रीकल्चर की नींव कहां से रखी गई। ठीक है, तो प्राचीन कृषि इतिहास के बारे में हम बात करेंगे तो एंशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री, एंशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री, एंशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में यदि हम बात करें तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मनुष्यों के जो पूर्वज हैं वह बंदर हैं, मनुष्यों के जो पूर्वज हैं बंदर हैं। तो बस उन्हीं की बातों से हम थोड़ा सा यहीं पर सीख लेते हैं कि मंकी सबसे पहले, जो जब पूर्वज इन्हें मान ही लिया गया है, तो मंकी जो आए थे हमारे यहाँ वो आए थे 40 मिलियन ईयर एगो मंकी, मीन्स 40 मिलियन साल पहले मंकी पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं। लेकिन उस समय के मंकी में सिर्फ इतना सा अंतर था, जैसे कि हम बता दें आपको कि उस समय मंकी जो थे वो आपके चारों आगे के दोनों पैर और पीछे के दोनों, आगे के दोनों पैर और पीछे के दोनों पैरों, चारों पैरों से चलते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी भी कुछ मंकी ऐसे हैं जो इस प्रकार से चलते हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी आई, लेकिन कुछ जातियां उनमें ऐसी आई जिनमें सुधार हुआ और वो आगे के पैरों को उन्होंने हाथों में परिवर्तित कर लिया। तो वो ऐसे ना चल के दोनों पैरों से सीधे चलने लगे इस प्रकार से। तो उन्हें कहा गया, अच्छा इनका जो काम था, मंकी ने क्या किया, मूव, इन्होंने सिर्फ इतना सीखा, मूव बाय फुट, मूव करना सीखा, किसके द्वारा, पैरों के द्वारा, सीधे और स्टैंडिंग इरेक्ट और सीधा चलना सीखा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो इरेक्ट मीन्स सीधा चलना सीखा मंकी ने। तो अब इरेक्ट से यहीं से ले लें आप, जब इरेक्ट करना सीखा तो एक प्रजाति आई जिसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस, एक प्रजाति आई जिसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस जो आए वह आए थे आपके 15 लाख ईयर एगो, मीन्स 15 लाख साल पहले जो है आपके होमो इरेक्टस आए। अब देखिए 15 लाख साल पहले का मतलब है कि 10 लाख बराबर होता है आपका, 10 लाख बराबर आपका 1 मिलियन होता है, तो 15 लाख बराबर ऑटोमेटिकली आपके 1.5 मिलियन हो गए। तो इसी को हम कह सकते हैं 1.5 मिलियन ईयर एगो, यानी कि यदि आपको, आपसे पूछ दिया जाए कि होमो इरेक्टस पृथ्वी पर, होमो इरेक्टस का जन्म कब हुआ, तो वह हुआ आपका 1.5 मिलियन ईयर एगो, या 15 लाख साल पहले, या 15 लाख ईयर एगो। ठीक है, अब बात कर ले होमो इरेक्टस के बारे में थोड़ी सी। तो होमो का मीन्स होता है कंटिन्यूअस, होमो का जो मीन्स होता है वह होता है कंटिन्यूअस, और इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट करना, इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट करना, मीन सीधा चलना, सीधा। ठीक है,
तो इन्होंने सीधा चलना सीखा होमो इरेक्टस ने। और यहीं पर हम आपको बता दें कि होमो इरेक्टस जो थे वो बहुत ही आलसी जीव थे, आलसी जीव थे, ठीक है। उसके बाद आया आपका क्रोमैग्नन, उसके बाद एक प्रजाति आई क्रोमैग्नन की, यानी कि इसमें सुधार होते गए। क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन के बाद बहुत ज्यादा सुधार हुए, तब हमारी एक जाति बनी जिसको नाम दिया गया मनुष्य। और मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम है उसे कहा जाता, मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम है वह है आपका होमो सेपियंस। मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम है, दो नाम पद्धति में यदि मनुष्य के जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करें तो होमो सेपियंस कहा जाता है, जिसमें होमो आपका जीनस है और स्पीसीज आपकी सेपियंस है। यह हो गई आपकी दो नाम पद्धति की बात। यदि हम यहीं पर बात कर लें कि त्रिनाम पद्धति में जंतु मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो त्रिनाम पद्धति में मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस और एक बार सेपियंस और आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर हम बात कर लें आपकी कि जब हम किसी भी जंतु वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो वहां पर हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, यहीं पर हम आपको बता दें कि इसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, साइंटिफिक नेम के नीचे जब हम अंडरलाइन करते हैं तो वो क्यों की जाती है, हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि अंडरलाइन जो की जाती है वह साइंटिफिक नेम को इटैलिक भाषा में बनाने के लिए उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है, ठीक है। तो यदि इटैलिक भाषा में इसको हम लिख नहीं सकते, किसको, साइंटिफिक नेम को, तो उसे हम इटैलिक भाषा में बनाने के लिए उसमें हम नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो दूर से एग्जामिनर समझ जाता है कि वह जो है आपका साइंटिफिक नेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम आपको बता दें कि जो आपकी स्पीसीज होती है उसका पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर बनता है, और जीनस होता है उसका हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर का बनता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मनुष्य की बात, मींस पहले सबसे पहले आए आपके जंतु में मंकी आया था आपके 40 मिलियन ईयर एगो, और इसने क्या सीखा, सिर्फ मूव करना सीखा, मींस पैरों पर चलना सीखा, पैरों पर चलना सीखा। उसके बाद होमो इरेक्टस आए, जिनको नाम दिया गया, इरेक्ट करना सीखा तो उनको नाम दे दिया गया आगे होमो इरेक्टस। अच्छा, यहीं पर हम आपको बता दें कि होमो इरेक्टस के अलावा होमो इरेक्टस को जावा मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जावा मैन, ठीक है। तो होमो इरेक्टस या जावा मैन, बात एक ही है। और ये आए थे आपके 15 लाख ईयर एगो या 1.5 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद आए क्रोमैग्नन, और क्रोमैग्नन के बाद आपके मनुष्य का जन्म हुआ जिसका नाम है होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस जो आपके आए थे वह आए थे आपके 250,000 ईयर एगो, 250,000 साल पहले आपके मनुष्य का जन्म हुआ। तो जो मनुष्य था, अब देखिए होमो बराबर हमने आपको बता दिया कंटिन्यूअस होता है, इरेक्टस बराबर हमने बता दिया इरेक्टस का मीन्स आपका इरेक्ट करना होता है। यहीं पर हम बात कर लें कि सेपियंस का मीन क्या होता है, सेपियंस, तो सेपियंस जो है, सेपियंस का मीन होता है लर्निंग हैबिट मीन्स ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालते रहे, ये हमेशा कुछ सीखते रहे। ये कौन, होमो सेपियंस हमेशा कुछ सीखते रहे, और सीखते सीखते इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, और वहीं से हमारी कृषि का इतिहास जो है वहीं से पढ़ा जाता है और वहीं से जाना जाता है। तो लर्निंग हैबिट से इन्होंने क्या किया, जब पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने कैसे सीखा, इन्होंने इस प्रकार से सीखा कि जब इन्होंने किसी चीज को खाया, इन्होंने जब किसी चीज को खाया तो उसमें जो बीज निकले, उन्होंने वहीं पे उसको छोड़ दिया। जब उन्होंने उन बीजों को वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा तो वहां पर एक पौधा उग आया, ठीक है। जब वहां पे पौधा हुआ, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्हें एक ही बीज से कई फल प्राप्त हुए। जब कई फल प्राप्त हुए और स्वादिष्ट लगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी खेती करनी स्टार्ट कर दी। तो बस एग्रीकल्चर का इतिहास सिर्फ यहीं से स्टार्ट है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम और डीपली जाएं तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं कि देखो ये तो हो गई आपकी मानव कैसे बना, मानव की बात। अब मानव से ही हमारी कृषि हुई है, मानव से ही तो हमारी कृषि हुई है होमो सेपियंस से। तो वहीं से हम आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले जो आपका पाला जाने वाला जानवर था, वह था आपका कुत्ता। सबसे पहले आपका कुत्ता पाला गया, कब पाला गया, वो पाला गया आपका 10,000 BC में आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग हुआ
किसका? कुत्ते का, कुत्ते को पाला गया। अब ये कहां पाला गया? इन ईरान, ईरान में या फिर इजराइल में, यानी कि ईरान भी और इजराइल, ईरान भी माना जाता है और इजराइल भी माना जाता है, ठीक है। तो 10,000 BC में, अब बात आए बीसी की, कि बीसी क्या है, बीसी को भी यहीं पर जान लेते हैं। बीसी बराबर, बीसी को हम कहते हैं बिफोर, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पहले की जितनी बातें हैं उसे हम बीसी कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये बातें हैं ये सब ईसा मसीह के पहले की बातें हैं। 10,000 BC, 10,000 BC में आपकी डोमेस्टिकेशन हुआ, किसका? डॉग का, कुत्ते को पाला गया। कुत्ते को पाला गया कहां पर? ईरान में और इजराइल में। देखिए कुत्ते को इन्होंने क्यों पाला? कुत्ते से इन्हें लाभ ये था कि कुत्ते जो है शिकार करने का कार्य करते थे, बाई हंटिंग शिकार करने का कार्य करते थे। तो कुत्ते से ना ये लाभ था कि जब ये किसी भी जानवर का शिकार करते थे तो कुत्ता ही इनको हंट करके या शिकार करके दे देता था और इसको ये कच्चा खा जाते थे, क्योंकि तब जो है आग का आविष्कार नहीं हुआ था। जब आग का आविष्कार हुआ तो उसके बाद फिर इन्हें एक सीख मिली कि इन्होंने पकाना सीखा, कच्ची चीजों को पकाना सीखा और पकी हुई चीजों का ये भोजन करने लगे, उन्हें स्वादिष्ट लगी तो फिर उनको पकाना सीखा। लेकिन उससे पहले ये कच्चे ही जानवर को खा जाते थे, ठीक है। तो पहले आपकी 10,000 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग इन ईरान और इजराइल। उसके बाद 8700 BC में, 8700 BC में आपकी डोमेस्टिकेशन हुआ किसका? सीप का। सीप माने भेड़, मीन्स कुत्ते के बाद आपकी भेड़ का डोमेस्टिकेशन हुआ, मीन्स भेड़ को पाला गया। उसके बाद 7700 BC में, 7700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट, मीन्स बकरी को पाला गया डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट। उसके बाद 7500 BC में, 7500 BC में आपका कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया और यहीं से हमारी कृषि स्टार्ट हुई, कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड बार्ले, मीन्स गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हुई 7500 BC से। और 7500 BC में ही आपका 7500 BC से आपकी वीट और बार्ले की खेती स्टार्ट हुई और यहीं से आपकी एग्रीकल्चर की नींव रखी गई। देखिए एग्रीकल्चर को हम यहीं पर हम एग्रीकल्चर को समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रिक प्लस कल्चरा, जिसमें एग्रिक का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। मींस इसके अंतर्गत क्या होता है कि सॉइल का कल्टीवेशन किया जाता है, तो जिसके अंतर्गत सॉइल का कल्टीवेशन किया जाता है, सॉइल को उर्वर बना करके उसमें हम बीज को बो करके उससे हम उपज प्राप्त करते हैं, बस इसी क्रिया को हम कहते हैं। सॉइल में जितनी भी ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे समझ लें कि ह्यूमन द्वारा, मीन्स मानव द्वारा जितनी भी सॉइल में क्रियाएं की जाती हैं वह एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात हो गई एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर शब्द जो है वह आपका लैटिन भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रिक प्लस कल्चरा, जिसमें एग्रिक का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एग्रीकल्चर की, बात आ गई तो हमने आपको यहीं पर बता दिया। उसके बाद बात आती है आपकी 7500 BC में जब आपकी कल्टीवेशन हुई किसकी? वीट एंड बार्ले की। जब 7500 BC में आपकी कल्टीवेशन हुई वीट एंड बार्ले की, तो उसके बाद आया आपका 6000 BC में, 6000 BC में कैटल एंड पिग का डोमेस्टिकेशन किया गया, मीन्स गाय को और सुअर को पाला गया। कब? 6000 BC में, 6000 BC में गाय को पाला गया। उसके बाद आता है आपका 4400 BC में आपका कल्टीवेशन किया गया और वह कल्टीवेशन किया गया आपका मेज का, कल्टीवेशन ऑफ
मेज, कल्टीवेशन ऑफ मेज कब किया गया? 4400 BC में। उसके बाद 4000 BC में, 4000 BC में कल्टीवेशन किया गया किसका? राइस का। 4000 BC में कल्टीवेशन किया गया राइस का। उसके बाद आता है आपका 3500 BC, तो 3500 BC में आपका कल्टीवेशन किया गया पोटैटो का, मीन्स आलू का कल्टीवेशन, आलू की खेती की गई। यानी कि 4400 BC में आपकी मक्का की खेती की गई पहली बार, और 4000 BC में आपकी राइस की खेती की गई, मीन्स चावल की खेती, धान की खेती। उसके बाद 3500 BC में आपकी पहली बार पोटैटो की खेती, मीन्स आलू की खेती की गई। कब? 3500 BC में। देखिए, यदि आप लोग इसका नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप नहीं बना रहे हैं तो ये आपके लिए घातक होगा। ठीक है, तो यदि आप इसका नोट्स बना लें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सॉलिड मैटर कंटेंट हमने छांट कर आपको बता रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 3500 BC की बात। उसके बाद 3400 BC आई। 3400 BC में व्हील का आविष्कार हुआ। किसका? व्हील का। व्हील मतलब पहिए का आविष्कार। तो व्हील वाज इन्वेंटेड, व्हील वाज इन्वेंटेड मीन्स पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? पहिए का। अच्छा, पहिए के आविष्कार के बाद ये 3400 BC में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस कब हुआ, तो ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए, 3400 BC में जब पहिए का आविष्कार हुआ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाहते हैं तो ले लें। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि पहिए के आविष्कार के बाद, पहिए के आविष्कार के बाद कृषि में, कृषि को करना और सरल हो गया, कृषि को करना और ज्यादा सरल हो गया। और वो इस प्रकार से हो गया क्योंकि कृषि जो है, कृषि में भारी भारी सामानों को, भारी भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुगमता हुई, सरलता हुई। किसके कारण? पहिए के कारण। क्योंकि पहिया जो है, जैसे ही उसने लुढ़कना शुरू किया तो लोगों ने, होमो सेपियंस मीन्स मनुष्य ने देखा कि इससे तो हम बहुत ही आसानी से किसी एक चीज को दूसरे एक जगह, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो जब लोगों ने इस चीज को देखा, और इनमें जब बात यही थी कि होमो सेपियंस में जब लर्निंग हैबिट थी, जब बात बात कदम कदम पर उनको सीखने की आदत हुई, तो उन्होंने इन सभी चीजों की खोज की। ठीक है, तो व्हील का जब आविष्कार हुआ तो हमारी कृषि जो है वह और ही आगे बढ़ी, और उसमें सरलता और सुगमता से कृषि की जाने लगी। 3400 BC के बाद एक अगला आया आपका 3000 BC में ब्रोंज का यूज किया गया। ब्रोंज मैंने जस्ता, जस्ते का प्रयोग किया गया। ब्रोंज यूज्ड मेक टू टूल्स मीन्स औजार बनाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाने लगा 3000 BC में। और 2900 BC में एक, ये बहुत ही अच्छी डेट है 2900 BC, ये कई बार पूछी गई है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था प्लाऊ वाज इन्वेंटेड। प्लाऊ मीन्स हल का आविष्कार हुआ। प्लाऊ वाज इन्वेंटेड मीन्स इसमें जो है आपके हल का आविष्कार हुआ, इन्वेंटेड हल का आविष्कार हुआ। और इसी में 2900 BC में आपके पहली बार इरीगेटेड फार्मिंग हुई। इरीगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुई। इरीगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुई कब? 2900 BC में। आपकी प्लाऊ मीन्स हल्का आविष्कार हुआ प्लाऊ हल्का आविष्कार हुआ। और उसके बाद इरीगेटेड मीन्स सिंचित कृषि की जाने लगी। कब की जाने लगी? 2900 BC में। और जस्ते का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाने लगा कब से? 3000 BC से। ठीक है, तो उसके बाद आपका 29 के बाद आपका आता है 2300 BC में, आपकी 2300 BC में आपका कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर सरसों एंड कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ चिकपी माने होता है चना। चिकपी मीन्स होता है चना। तो चने की कल्टीवेशन की गई 2300 BC में। चने के अलावा सरसों मीन्स मस्टर्ड लिख सकते हैं, मस्टर्ड की खेती की गई। मस्टर्ड के अलावा पियर मीन्स नाशपाती की खेती की गई, पियर नाशपाती। उसके बाद आपका
कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, मस्टर्ड, पियर एंड इसके अलावा था कॉटन। कॉटन मीन्स कपास की खेती की गई, ठीक है। तो 2320 में आपकी कल्टीवेशन की गई किसकी, चिकपी मीन्स चने की, मस्टर्ड माने सरसों की, पियर माने नाशपाती की, और कॉटन माने कपास की। कपास की खेती आपकी 2320 में की गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 2220 में, 2220 में क्या किया, 2220 में डोमेस्टिकेशन किया, 2220 में डोमेस्टिकेशन किया, और किसका डोमेस्टिकेशन किया, वह किया आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलो, बफेलो फाउल एंड एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हमने भैंस को पाला, 2220 में हमने भैंस को पाला, फाउल को पाला, और उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी को पाला। यहां से हमने 2220 से हमने बफेलो को पालना स्टार्ट कर दिया, फाउल को पालना स्टार्ट कर दिया, और एलिफेंट को पालना स्टार्ट कर दिया 2220 में। 2220 के बाद, 2220 के बाद आपकी आती है 1820, और 1820 में हमने कल्टीवेशन किया फिंगर मिलेट का। 1820 यहीं पर लिख दें, 1820 में, 1820 में हमने कल्टीवेशन किया, और किसका कल्टीवेशन किया, फिंगर मिलेट का, फिंगर मिलेट का हमने कल्टीवेशन किया, फिंगर मिलेट का कल्टीवेशन किया, कब किया, 1820 में, ठीक है। उसके बाद ये आप नोट करते रहें, ठीक है। 1820 के बाद आता है आपका 1725, और बहुत ही अच्छी डेट है 1725 BC, 1725 BC में कल्टीवेशन किया हमने सोरघम का, कल्टीवेशन ऑफ सोरघम, कल्टीवेशन किया किसका, सोरघम का, सोरघम का जब हमने कल्टीवेशन किया, कब किया, 1725 BC में। सोरघम को हम, सोरघम का बोटानिकल नेम होता है सोरघम बाइकलर या सोरघम स्पीसीज, ठीक है। तो जब हमने मीन्स ज्वार, ज्वार का जब हमने कल्टीवेशन किया, कब किया, 1725 ईस्वी में। उसके बाद 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ सुगर कैन, 1500 BC में हमने किया कल्टीवेशन ऑफ सुगर कैन, मीन्स गन्ने की खेती करनी स्टार्ट कर दी, कब, 1500 BC में, 1500 BC में हमने गन्ने की खेती करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी 15th सेंचुरी आ गई, 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में आपकी कल्टीवेशन हुई स्वीट ऑरेंज की, साउर ऑरेंज की, और ब्रिंजल की, और पोमीग्रेनेट मीन्स अनार की, मीन्स स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज मीन्स मीठे संतरे की खेती की गई, साउर ऑरेंज मीन्स खट्टे संतरे की खेती की गई, खट्टे संतरे की खेती की गई। उसके बाद पोमीग्रेनेट मीन्स अनार की खेती की गई, अनार की खेती की गई, ठीक है। स्वीट ऑरेंज, साउर ऑरेंज, और उसके बाद ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, देखिए वाइल्ड ब्रिंजल मीन्स जंगली बैंगन की खेती की गई, जंगली बैंगन की, जंगली बैंगन की खेती की गई, कब, 15th सेंचुरी में। अब 15th के बाद आती है आपकी 16th सेंचुरी। देखिए 16th सेंचुरी में हम आपको बता दें कि 16th सेंचुरी में कई फसलें हमारी इंट्रोड्यूस्ड की गई, इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन किया गया कई क्रॉप्स का, जैसे आपकी 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में हमने इंट्रोडक्शन किया कई फसलों का, कई फसलों, और ये इंट्रोडक्शन हमने कहां से किया, इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये हमने किया पुर्तगाल से, पुर्तगाल को हम इंग्लिश में लिखते हैं पुर्टगीज, पुर्टगीज, पुर्तगाल से हमने कई फसलों का इंट्रोडक्शन किया, यानी कि पुर्तगाल से हम लाए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह लाना, तो हम पुर्तगाल से लाए, इंट्रोड्यूस कराई हमने, पुर्तगाल से हम जिन्हें लाए उनका नाम है आपकी पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पोटैटो पहली है आपकी पोटैटो, उसके बाद स्वीट पोटैटो मीन शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, टमेटो, ठीक है। उसके बाद कसावा, कसावा के बाद आता है आपका
कसावा, और कसावा के बाद आपकी चिली पंपकिन पपाया, चिली चिली पंपकिन पंपकिन कद्दू और पपाया, पपाया, और पपाया के बाद आती है आपकी गुआवा, पाइन एप्पल एंड कस्टर्ड एप्पल। गुआवा मीन्स जितनी भी आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ज्यादातर हमने इंट्रोड्यूस कराई कहां से, पुर्तगाल से, पुर्तगाल से। तो गुआवा, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। तो ये जो फसलें थी ये हमने इनको इनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया कहां से, पुर्तगाल से। तो जब हमने पुर्तगाल से इनको इंट्रोड्यूस करवाया, वहां से हम अपने देश में ले लेकर के आए, तो हमें जो है इसकी खेती करने का अवसर मिला और यहीं से हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से खेती की जाने लगी, ठीक है। तो ये जो हमने आज बात की आपकी प्राचीन कृषि इतिहास की, प्राचीन कृषि इतिहास मीन्स एंशियंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री, पुराने प्राचीन पुराने समय के एग्रीकल्चर की। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आधुनिक कृषि इतिहास मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।